आरसी किंग मास वर्सेस डेक्स्टर जैक्सन लीजेंड मास गेनर के बारे में, क्योंकि दोस्तों आपकी बहुत इंक्वायरी आ रही है कि भैया कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि दोनों में ही बहुत सारी समानताएं हैं प्रोटीन कंटेंट को लेकर, कार्ब्स को लेकर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सप्लीमेंट सुला फैमिली, क्योंकि सिर्फ चैनल नहीं है, सिर्फ पेज नहीं है, हमारा परिवार है ये। और दोस्तों आज हम फिर आ जाए आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आज आप ही की रिक्वेस्ट पर हम बात करने वाले हैं आरसी किंग मास वर्सेस डेक्स्टर जैक्सन लीजेंड मास गेनर के बारे में, क्योंकि दोस्तों आपकी बहुत इंक्वायरी आ रही है कि भैया कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि दोनों में ही बहुत सारी समानताएं हैं प्रोटीन कंटेंट को लेकर, कार्ब्स को लेकर। तो आज हम जो है इन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ये दोनों ही हाई प्रोटीन मास गेनर्स हैं। अब ये हाई प्रोटीन मास गेनर क्या होता है? देखो मास गेनर मतलब वही है कि जिसकी बॉडी स्किनी है, पतली है, एक्टोमॉर्फ है, इजीली वेट पुट ऑन नहीं हो पाता है, उसको वजन बढ़ाना है, तो मास गेनर उसी के लिए बनाती हैं कंपनियां, जितनी भी कंपनियां हैं। पर हाई प्रोटीन मास गेनर का मतलब ये हो जाता है कि जो ये जैसे आरसी किंग मास है, लीजेंड मास गेनर है, ये मास गेनर्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स तो होता ही होता है पर प्रोटीन भी अच्छा खासा होता है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पतली है पर वो स्टिल ये चाहते हैं कि भैया वजन तो बढ़े पर मसल साइज भी आते रहना चाहिए। और आपको ही पता है कि मसल साइज बढ़ता है हमारा प्रोटीन से और वजन बढ़ता है हमारा कार्बोहाइड्रेट से या कैलोरी सरप्लस रहने पर। तो ये दोनों ही आपके पास हाई प्रोटीन मास गेनर्स अवेलेबल रहने वाले। अब यहां पर आरसी किंग मास तो वेरी वेरी पॉपुलर है, इसके बारे में तो कहना ही क्या है, पर डेक्स्टर जैक्सन जो कि अभी हाल फिलहाल में ही इंडिया में लॉन्च हुआ है, ये भी इंपोर्टेड ब्रांड है, ये भी काफी पॉपुलरिटी अब गेन कर रहा है और इसलिए इसको लेकर आपकी इंक्वायरी आ गई है। मैं वैसे सोच रहा था ये वीडियो बनाने की, पर आपकी जो इंक्वायरी ऑलरेडी आ गई तो मैंने कहा चलो अब समय आ ही गया है इनके ऊपर वीडियो बनाने का। तो दोस्तों यहां पर एक और बहुत बड़ी समानता है, वो समानता ये है कि जो आरसी है मतलब रोनी कोलमैन, वो भी बहुत पॉपुलर बॉडी बिल्डर रहे हैं, और जो डेक्स्टर जैक्सन है ये भी बहुत पॉपुलर बॉडी बिल्डर रहे हैं। दोनों ही ब्रांड बॉडी बिल्डर्स के हैं, तो इसलिए दोनों ही ब्रांड्स में बॉडी बिल्डर्स ने अपनी पूरी नॉलेज झोंक दी है। पर चलिए देखते हैं दोनों हमें क्या दे रहे हैं, और इनको लड़के लड़कियां कोई भी ले सकता है, कोई भी फिजिकल वर्कआउट करने वाला, पर हाँ ये लेने स्पेशली उसको है जिसको अपना वजन बढ़ाना है प्लस में थोड़ा मसल साइज भी आता रहे, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो दोनों के हम मैं सप्लीमेंट फैक्ट्स आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो यहां पर आरसी किंग मास के सप्लीमेंट फैक्ट्स और न्यूट्रिशन फैक्ट्स आपके डेक्स्टर जैक्सन के, मतलब दोनों के हाजिर हैं, स्क्रीन पर भी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो डेक्स्टर जैक्सन कह रहे हैं जी 125 ग्राम की सर्विंग आपको इसकी लेनी है, 125 ग्राम मतलब 3 स्कूप, और इसके अंदर जो टोटल सर्विंग निकलने वाली है वो है 22। वहीं पर आरसी किंग मास कह रहे हैं जी इसकी आपको 2 स्कूप की सर्विंग लेनी है, वो भी 125 ग्राम की है, इसके अंदर भी आपकी 22 सर्विंग निकलने वाली है। मतलब दोनों में मास गेनर की जो क्वांटिटी है वो बराबर है। यहाँ अब 125 ग्राम की मिनिमम सर्विंग बता दी दोनों ने। वैसे मैं आपको बताऊंगा कि 125 ग्राम की सर्विंग आपको नहीं लेनी है, मास गेनर कैसे यूज करते हैं वो साइड में वीडियो चल रही है, वो आप देख सकते हैं, इसको लेकर मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा। तो यहां पर देखिए 125 ग्राम की सर्विंग में डेक्स्टर जैक्सन जो लीजेंड मास गेनर है वो हमें दे रहा है 460 कैलोरीज, और आरसी किंग मास हमको दे रहा है जी 500 कैलोरीज। आरसी में 500, डेक्स्टर जैक्सन लीजेंड मास में 460। अब टोटल फैट अगर हम देखें तो डेक्स्टर जैक्सन लीजेंड मास गेनर में टोटल फैट है 3 ग्राम, और आरसी किंग मास में जो टोटल फैट है वो है 1.5 ग्राम। जी हाँ, तो फैट जो है डेक्स्टर जैक्सन लीजेंड मास गेनर में ज्यादा है। वहीं अगर हम देखें टोटल कार्बोहाइड्रेट्स, तो डेक्स्टर जैक्सन लीजेंड जो मास गेनर है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो है 80 ग्राम, और यहां पर अगर हम देखें आपके आरसी किंग मास में तो वो है 92 ग्राम। सर्विंग दोनों की सेम है 125 ग्राम, तो 92 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपके आरसी में, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स आरसी में ज्यादा हैं। वहीं पर अगर हम देखते हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन हमें मिल रहा है डेक्स्टर जैक्सन लीजेंड मास गेनर में 30 ग्राम, और वहीं अगर हम देखें प्रोटीन आरसी किंग मास में तो यहां भी हमको मिल रहा है 30 ग्राम। तो दोस्तों प्रोटीन दोनों में सेम मिल रहा है पर कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा हैं आपके आरसी किंग मास। और दोस्तों यहां प्रोटीन की फॉर्म भी जो है दोनों में सेम है, मतलब ब्लेंड प्रोटीन है, वे प्रोटीन आइसोलेट कंसेंट्रेट एसिन प्रोटीन, तो ये बिल्कुल सेम प्रोटीन की टाइप है दोनों में। यहां पर अब बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। अब जो है एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है प्राइस। तो दोस्तों आरसी किंग मास जो इसके ऑफिशियल इंपोर्टर है जीएमसी, उन्होंने एमआरपी दिया हुआ है 6499,
बट सप्लीमेंट्स जो जीएमसी के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं वहां पर ही आपको मिलेगा 4500 रुपए का, 4500 रुपए में आपको मिलने वाला है। और दोस्तों वहीं पर अगर हम देखें डेक्सटर जैक्सन लीजेंड मास गेनर की, तो इसके जो इंपोर्टर हैं ये हैं जी एसएसएनसी, जिन्होंने एमआरपी दिया हुआ है 5999, बट सप्लीमेंट सुलापा इसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 4000 रुपए। और अगर हम देखें आरसी किंग मास और डेक्सटर जैक्सन लीजेंड मास गेनर में प्रोटीन कॉन्टेंट बराबर है, कार्बोहाइड्रेट्स आरसी में ज्यादा है। यहां पर अब नो डाउट कंफ्यूजन का विषय है कि कौन सा आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा। देखिए आरसी किंग मास में मैं 3 पॉइंट बताऊंगा कि क्यों आपको आरसी लेना चाहिए। आरसी किंग मास लेने का सबसे बड़ा जो पॉइंट है जो आपको इसकी तरफ लेके जाएगा वो ये है कि आरसी किंग मास बहुत पुरानी ब्रांड है कंपेयर टू डेक्सटर जैक्सन, काफी टाइम से इंडिया में काम कर रही है और आरसी किंग मास की पॉपुलरिटी ज्यादा है। पहला पॉइंट इसके पास सबसे प्लस पॉइंट जो है वो यही है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है क्योंकि ये काफी टाइम से इंडिया में काम कर रहा है तो इसलिए इसके रिजल्ट और रिव्यूज भी काफी ज्यादा हैं। भाई देखो डेक्सटर जैक्सन अभी आया है हाल फिलहाल में, अभी लोग इसे लेना स्टार्ट कर रहे हैं, पर आरसी किंग मास को आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ले चुके होंगे या जिस इसके बारे में सुन रखा होगा। तो नो डाउट देखो ये पुराना है तो इसके रिव्यूज भी ज्यादा है, और नो डाउट आरसी किंग मास के पॉजिटिव रिव्यूज की बात करूं तो 80% प्लस पॉजिटिव रिव्यूज हैं आरसी किंग मास। और दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है जो आरसी किंग मास आपको लेने पे मतलब जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा वो तीसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिल रहे हैं तो इसलिए थोड़ा वेट पुट ऑन होने में ये आपकी ज्यादा हेल्प कर सकता है कंपेयर टू आपका डेक्सटर जैक्सन लीजेंड मास। तो ये 3 पॉइंट हैं जिसमें पहला पॉइंट आपका हो गया पॉपुलरिटी, दूसरा पॉइंट हो गया रिव्यूज क्योंकि इसके रिव्यूज काफी लंबे टाइम से काम कर रहा है तो रिव्यूज काफी पॉजिटिव है, और तीसरा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आपको ज्यादा मिलेंगे। ठीक है जी, अब 3 पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा लीजेंड मास गिनर के, और वो 3 पॉइंट ये हैं जिसमें से पहला आएगा पॉकेट फ्रेंडली। ये आपका बजटरी है, दोनों में 400 रुपए का डिफरेंस है और 400 रुपए मैटर करते हैं। तो अगर आपको ये है कि नहीं यार मतलब मेरे को प्रोटीन बराबर मिल जाए पर थोड़ा सस्ता मिल जाए तो लीजेंड की तरफ आप जा सकते हैं। दूसरा प्लस पॉइंट जो लीजेंड मास गेनर के अंदर आएगा वो आएगा कि हाल फिलहाल में, नो डाउट ये अभी नया आया है पर हाल फिलहाल में इसकी डिमांड काफी बनी हुई है मार्केट में, तो अब जब जिसकी डिमांड ज्यादा है तो यार नेचुरल सी बात है कि कुछ ना कुछ इसमें खास है जो लोग इसे ले रहे हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो सप्लीमेंट सुला पर भी इसकी डिमांड काफी अच्छी है और रिजल्ट मतलब अभी जिस हिसाब से रिव्यूज आ रहे हैं उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि शायद मतलब जो है अगर ये और लंबा चलेगा भाई, क्योंकि पता नहीं रहता इंपोर्टेड ब्रांड्स का कब आते हैं, काफी बार ऐसा होता है आते हैं फिर वो चले भी जाते हैं, अगर ये लंबा टिका मार्केट में तो इसके रिव्यूज इसी हिसाब से आते रहे तो मुझे लगता है कि आरसी से बढ़िया रिव्यूज इसके आएंगे, पर नो डाउट अभी नया नया आया है। और तीसरा पॉइंट जो इसके अंदर अवेलेबल है जो डेक्सटर जैक्सन आपको लेना चाहिए वो ये है कि दोस्तों बहुत समय से जो है आरसी किंग मास का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, तो अगर आप ऑलरेडी आरसी किंग मास यूज कर चुके हैं, आप चाह रहे हैं कि आरसी किंग मास जैसा ही कुछ और मिले, तो लीजेंड अब आपके पास ऑप्शन में अवेलेबल हो चुका है। तो नो डाउट सॉलिड 3 पॉइंट तो आरसी के पास ही हैं, पर स्टिल जो है आप लीजेंड को भी ट्राई कर सकते हैं, लीजेंड मास गेनर को डेक्सटर जैक्सन। तो अब ये चॉइस आपकी रहने वाली है कि आप कौन सा लेंगे, दोनों ही ओरिजिनल अवेलेबल है सप्लीमेंट्स विला पर, तो मैंने दोनों को कंपेयर कर दिया बता दिया। आरसी किंग मास की लैब रिपोर्ट वीडियो तो मैं बना ही चुका हूं, लीजेंड मास गेनर की लैब रिपोर्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी ही जो है हाजिर होऊंगा आपके सामने, क्योंकि आरसी किंग मास लैब रिपोर्ट में पास है या फेल है वो देखो आप, लीजेंड को लेकर जल्दी ही हम हाजिर हो जाएंगे। तो दोस्तों दोनों ही ओरिजिनल, आपकी कौन सी चॉइस रहेगी कमेंट करके बताओ, और इनका अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं दोनों में से कोई का भी तो आप जो है कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, आप कॉल करें व्हाट्सएप करें या फिर आप supplementsola.com विजिट करें, वहां पर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कैश ऑन डिलीवरी सब मिलेगा, या फिर जहां पर supplementsola के आउटलेट्स हैं क्योंकि अब हर सिटी में supplementsola के आउटलेट्स ओपन हो रहे हैं तो वहां भी आप विजिट कर सकते हैं। कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, आप दिल्ली कालका जी जा सकते हैं, पलवल हरियाणा, मथुरा उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, मेरठ उत्तर प्रदेश, आप जा सकते हैं कहाँ, जयपुर राजस्थान, गुरुग्राम हरियाणा, अगला आउटलेट आगरा उत्तर प्रदेश में ओपन होने जा रहा है। तो जुड़े सप्लीमेंट्स सुला के साथ और ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लें। एक चीज मैं बता दूं, गलत चीज मत लें, जल्दी के चक्कर में सस्ते के चक्कर में ना रहें, ओरिजिनल ही लें, खाने पीने की चीजें हैं ये, अंदर जाके क्या नुकसान करेंगे, सस्ते के चक्कर में नकली के चक्कर में पड़ोगे कुछ नहीं पता आपको, बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई भी हैं आप देख सकते हैं सप्लीमेंट्स वाला चैनल पर जाकर। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है
अगर बजट नहीं है तो सप्लीमेंट मत लो, डाइट ले लो, वो बढ़िया ऑप्शन है, पर लेंगे तो ओरिजिनल लेंगे और सिर्फ सप्लीमेंट्स वाला से लेंगे, क्योंकि पूरा इंडिया कह रहा है कि सप्लीमेंट्स मतलब सिर्फ सप्लीमेंट्स मिला, क्योंकि ओरिजिनलिटी का दूसरा नाम है सप्लीमेंट्स वाला। तो ऑर्डर करो इनको, इनके बारे में कुछ ही पूछना है कमेंट करके पूछो, वीडियो चली तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए। आज छोटे मिलने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।